वालेकुम तो मोटरोला फ़ोनस की फ्लैशिंग के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ तो फाइल्स डाउनलोड करने का सबसे पहले मैं तरीका बता देता हूँ सबसे पहले आपने गूगल में firmwareformobile.com फॉर मोबाइल डॉट कॉम लिखना है और जो फर्स्ट वाली वेबसाइट है उसको ओपन कर लेना है इसके सर्च बार में आपने अपने फ़ोन का मतलूबा मॉडल यानी कि जिस मॉडल की भी फाइल्स आपको चाहिए वो मॉडल आपने इसके सर्च में टाइप करना है और सर्च का जो रिज़ल्ट शो होगा उसके मुताबिक आपने अपनी मतलब पेज ओपन करनी है और यहाँ से आपने अपनी तमाम फाइल्स डाउनलोड कर लेनी है यूट्यूब की प्राइवेसी पॉलिसी की वजह से कुछ लिंक्स मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकता क्योंकि यूट्यूब बाज़ा उनको डिलीट कर देता है तो सेटअप बाय सेटअप मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना तो आगे चलते हैं फिर यहाँ पे आपने सबसे पहले एक टूल है रेस्क्यू एंड स्मार्ट असिस्टेंट के नाम से इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है अपने कंप्यूटर में इस टूल की मदद से लेनोवो और मोटरोला के फ़ोनस को हम आसानी से फ्लैश कर सकते हैं ये पहला तरीका मैं बता रहा हूँ जो सबसे आसान तरीका है टूल्स और जो फ्लैश फाइल्स हैं ये तमाम फाइल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे या मेरी वेबसाइट पे आप चले जाएँ फार्म फॉर मोबाइल डॉट कॉम पर वहाँ पर सर्च करें वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे तो टूल इंस्टॉल हो चुका है और ये भी टूल आ, कुछ ड्राइवर्स इंस्टॉल कर रहा है खुदकार तरीके से ये मीडिया टैक के ड्राइवर्स इंस्टॉल हो रहे हैं इसके बाद लेनोवो डिवाइस के ड्राइवर्स इंस्टॉल होंगे तो ये अमल कुछ वक्त लेगा इस दौरान मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर तो आप चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं मेरे वीडियोस पे तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा तो ये टूल जो था डिस्कटॉप से मैंने डिलीट कर दिया और जो इंस्टॉल हुआ है आ, सामने आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ से आपने इसको डबल क्लिक करते हुए ऑन कर लेना है यानी कि ओपन कर लेना है तो ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होगा इसको एग्री करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है इसके बाद यहाँ पे हमसे आईडी मांगी जाएगी यानी कि ये टूल अपना अकाउंट मांगेगा उसके लिए आपने कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करना है यहाँ पे और अपनी कोई भी अपने अपना गूगल अकाउंट आपने यहाँ पे दर्ज करके साइन इन कर देना है किसी भी अपने गूगल अकाउंट से आपने इसको साइन इन कर देना है ठीक है उम्मीद है ये आपको समझ आ चुका होगा लेकिन फिर भी अगर आपको समझ ना आ रही हो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में तो ये टूल हमारा लॉगिन हो चुका अब यहाँ पे हम फ़ोन पे क्लिक करेंगे टैबलेट्स और इसके अलावा दूसरी डिवाइस को भी फ्लैश कर सकते हैं लेकिन हम फ़ोन पे क्लिक करेंगे और फ़ोन पे क्लिक करने के बाद हमसे पूछा हमें बताया जा रहा है कि फ़ोन को किस तरीके से आपने कनेक्ट करना है ठीक है वो कह रहे हैं कि फ़ास्ट फूड मोड में कनेक्ट करना है फ़ोन को फ़ास्ट फूड मोड में ले जाने का तरीक़ा भी मैं आगे चल के बताता हूँ ये आपने जो हिदायत हैं ये पढ़ लेनी है ग़ौर से कि कैसे फ़ोन को कनेक्ट करना है और क्या करना है वगैरह वग़ैरह तो अब मैं फ़ोन को कनेक्ट करता हूँ फ़ोन को आपने मुकम्मल ऑफ़ कर देना है और वालीम डाउन का बटन प्रेस करके पावर का बटन प्रेस करना है जिससे फ़ोन फ़ास्ट फूड मोड पर चला जाएगा अब इसी मोड में मैं फ़ोन को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करूंगा तो इसी मूड में सारा प्रोसेस होना है यानी कि फ्लैशिंग का अमल होना है जैसे कनेक्ट करूंगा टूल पे हमें ये आ, आ चुका है कि यहाँ पे डाउनलोड का बटन आ चुका है कि अपने फ़ोन की मतलब फ़ाइल आपने डाउनलोड करनी है स्टॉक फार्मवेयर की जो कि मेरे ख्याल में दो तीन जी तीन थ्री पॉइंट थ्री जी बी की है इस पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये तीन जी बी की फाइल होगी जो कि डाउनलोड होगी और ये डाउनलोडिंग का अमल हो सकता है आपके इंटरनेट नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है बहुत सा टाइम भी ले सकती है अगर आपका इंटरनेट फास्ट है तो कम वक्त लेगी लेकिन मैं वीडियो को कुछ फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का कीमती वक्त बच सके वो कीमती वक्त जिसमें आपने बहुत बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम देने हैं तो ये फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी अब ये अनजिप हो रही है यानी कि ये विनरार की फ़ाइल थी यानी कि ज़िप फॉर्मेट में थी अब टूल इसको ख़ुदकार तरीके से अनज़िप कर रहा है अपने किसी फोल्डर में ट्रांसफ़र कर रहा है तो ये तकरीबन ज़्यादा वक्त नहीं लेगी कुछ ही वक्त लेगी तो जैसे ये अनजिप होगी यहाँ पे हमें अनजिपिंग के सेक्शन में ये रेस्क्यू का बटन शो होगा उस पर क्लिक करेंगे फिर ओके अब दबाएंगे फिर प्रोसेस पे क्लिक करेंगे इसी तरह उन बटन्स को दबाते रहेंगे तो फ़्लैशिंग का जो अमल है वो स्टार्ट हो जाएगा और ये फ्लैशिंग का अमल आ, कुछ वक्त लेगा यानी कि इंस्टॉलेशन का ये अमल मेरे ख्याल में दस से पंद्रह मिनट लेगा लेकिन मैंने वीडियो को बीच में फारवर्ड किया हुआ है ताकि आप लोगों का वक्त बच सके। उम्मीद है फ्लैशिंग का ये अमल ये सारी जो रहनुमाई मैंने आप लोगों को दी है ये आप लोगों की समझ में आ चुकी होगी लेकिन फिर भी किसी भी किस्म की आ, दुश्वारी या आप लोगों को किसी कोई बात समझ नहीं आ रही हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं मैं इन अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को आसान अल्फाज में और आ, समझा सकूँ ताकि आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो तो मैं आप लोगों से लोगों से एक और छोटी सी रिक्वेस्ट कर दूं कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अगर हो सके तो अपने दोस्तों से भी इसको शेयर कीजिएगा ताकि ये मालूम उन तक मिल सके तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं ज़रूर आप लोगों को चाय पिलाऊँगा अगर हो सके तो रोटी भी खिलाऊंगा क्योंकि रोटी खानी चाहिए सेहत बनानी चाहिए नहीं तो आपके टांगों में दर्द होगा जैसे कि मेरी टांगों में कभी कभी दर्द होता है अगर रोटी ना खाऊं तो और दुआ में भी याद रखिएगा बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा मैं भी आप लोगों को ज़रूर दुआओं में याद रखूँगा अगर आपने मुझे दुआ में याद रखा तो क्योंकि ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि आप मुझे दुआओ में ना याद रखें और मैं आप लोगों को दुआओं में याद रखूँ ये तो फिर ज़्यादती है तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से किसी दूसरी वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी आ... तो फ़िलहाल मैं चलता हूँ मुझे दो तीन हज़ार बहुत सारे काम हैं जिनको निपटाना बहुत ज़रूरी है और आ... वो काम बहुत ज़रूरी है तो इसलिए दुआ में याद रखिएगा आ... मुझे इजाज़त दीजिए